बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आइए मैथ को आसान बनाएं। मैथमेटिक्स क्लास 8, डोमेन 1, नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन 3, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.10, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1,22,500 ट्रीज इन हिज फील्ड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। हाउ मेनी ट्रीज विल ही प्लांट इन ईच रो। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले इस स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करते हैं। अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1,22,500 ट्रीज इन हिज फील्ड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। अब हमें बताया गया है कि एक गार्डनर है, वो अपने खेत के अंदर 1,22,500 दरख्त उगाना चाहता है, लगाना चाहता है। किस तरीके से? इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, यानी कि एक रो के अंदर जितने ट्रीज होंगे वो किसके बराबर होंगे, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। जितनी रोज हैं हर रो के अंदर दरख्त भी उतने ही लगे होंगे, इस तरतीब से वो लगाना चाहता है। तो हम बिल्कुल यहां पर बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक रो है जिसके अंदर वो दरख्त लगा रहा है। अब वो कहता है कि इस रो के अंदर जितने दरख्त हैं ना उतनी ही रोज होनी चाहिए, यानी कि प्लांट्स जितने लग रहे हैं, जितने ट्रीज लग रहे हैं, उतनी ही तादाद रोज की भी होनी चाहिए। तो अगर हम इस तरह से इनकी तादाद एज्यूम करके और यहां पे बनाएं तो ये एक स्क्वायर की शक्ल बन जाती है हमारे पास। और इसके अंदर प्लांट्स टोटल कितने हैं, ट्रीज 1,22,500। अब ये जो अंदर वाला है एरिया, इसके अंदर सारे के अंदर ट्रीज लगे हुए हैं, ट्रीज लगाने हैं उसने, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एरिया जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो हमारा एरिया या रकबा कहलाता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, वो कहता है हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांट इन ईच रो, कहता है हर रो के अंदर कितने प्लांट्स लगेंगे, कितने ट्रीज लगाए जाएंगे। तो हमारे पास ये एक रो है, इसके अंदर हमने बताने हैं कि कितने ट्रीज लगाए जाएंगे। अब ये हमारे पास जो रो है ये असल में हमारे पास स्क्वायर की लेंथ है, तो हमने बेसिकली लेंथ फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है, जो गिवन है हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 1,22,500। अब हमने बताना है कि हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांट इन ईच रो, यानी कि रो की लेंथ बतानी है हमने। तो हमने यहां पे फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्क्वायर, यानी कि ये जो फील्ड है ये स्क्वायर की शेप में बन रहा है जिसके अंदर ट्रीज लगाए जा रहे हैं, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ को एल से डिनोट किया जाता है, और इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ होती है इज इक्वल टू एरिया का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि एरिया का जजर निकालें तो हमारे पास स्क्वायर की लेंथ आ जाती है। अब एरिया हमारे पास ये गिवन है 1,22,500, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहां पर स्क्वायर रूट निकाल देते हैं डिवीजन मेथड से, स्क्वायर रूट डिवीजन 1,22,500। अब यहाँ पे पेयर्स बनाते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं, तीनों पेयर्स बन गए हैं। अब ये वाला पेयर जो है ये 12 है, ये 3 पर डिवाइड होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 4 यूज करेंगे तो 4 से 16 बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा 3 पर करना पड़ेगा। 3 इज द 9, माइनस करेंगे 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 रिमाइंडर। अब ये वाला पेयर है 25 का, ये नीचे उतारेंगे, इसके बाद 3 को डबल करेंगे, तो 3 को डबल करने के लिए या तो 3 में 3 प्लस कर दिए जाते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, दोनों सूरतों में 6 आएगा। अब 6 के साथ हमने कोई नंबर लगा के देखना है, यहां पर भी और यहां पर भी सेम नंबर हो कि आंसर हमारा 325 या इससे लेस आए, इससे ज्यादा ना हो। तो सिंपली ये, क्योंकि आगे मुझे जीरोस नजर आ रही है इसलिए यहां पर इसकी डिवीजन कंप्लीट होने वाली है वैसे, तो दोनों जगह 5 लगा के देखते हैं। 25 का 5 लगेगा तो 2 रिमाइंडर, 5 6 30, 5 6 30, 30 में 2 ऐड किया 32, 325 आ गया पूरा, यानी कि दोनों जगह पर हम 5 यूज कर सकते हैं। 65 को 5 से मल्टीप्लाई करके 325 आ गया, इसको माइनस करेंगे 9 रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर आया है। अब इसके बाद इन जीरोस के पेयर को नीचे उतारेंगे,
इसको अगेन डबल करके लिखते हैं, 35 में 35 ऐड करें तो 70 होंगे, और 70 के साथ यहां पर और यहां पर कोई नंबर लगाना है कि आंसर हमारा जीरो बने, तो डेफिनेटली हमें जीरो से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें अगर जीरो से तो आंसर उसका जीरो ही आता है। 700 को जीरो से मल्टीप्लाई करने से जीरो आंसर आया है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ये हमारा 350 आंसर आया है। अब ये 350 हमने साइड निकाली है, लेंथ निकाली है स्क्वेयर की, यानी कि स्क्वेयर साइड की लेंथ है हमारे पास 350, और ये क्या है एक्चुअली ट्रीज हैं, क्योंकि इस रो के अंदर ये ट्रीज लगे हुए हैं तरतीब से, तो ये सारे हमारे पास ट्रीज इन ईच रो, लिहाजा 350 हमारा आंसर है। आज हमने एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है, जिसके अंदर हमने स्क्वेयर की साइड फाइंड करनी थी, हमें एरिया गिवन था और एरिया के जरिए हमने स्क्वेयर रूट निकालकर उस स्क्वेयर की साइड फाइंड की है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।